कांग्रेस ने कई प्रकार के ऐसे होछे हथकंडे अपनाए, गलत यात्रा का प्रचार किया और उस प्रचार के कारण से हमारा एक वर्ग उनके झांसे में आ गया। ये भले ही लोकसभा में परिणाम हमारा मिला जुला रहा, 5 हम जीत पाए, 5 नहीं जीत पाए, कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये मिथ्या प्रचार जो उन्होंने किया है, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। कोई किसी के किसी दूल्हे के पीछे, कोई किसी दूल्हे के पीछे है। चलो भारत माता की। मित्रों, आज चूंकि 8 तारीख के बाद लगातार जो आप लोगों को सारा जानकारी है कि घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्री परिषद में हमको शामिल किया, मैं हरियाणा की जनता का इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ और मैं हरियाणा की जनता की ओर से उनको धन्यवाद किया है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस बार हरियाणा को भले ही 5 MP जीते हैं, लेकिन उसमें 3 जो है मंत्री बनाए गए हैं, एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का काम हुआ है। हम सब मिल करके प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और मैं तो यही कहूँगा कि भले ही लोकसभा में परिणाम हमारा मिला जुला रहा, 5 हम जीत पाए, 5 नहीं जीत पाए, लेकिन अब चूंकि अगले 3 महीने बाद फिर से लोकसभा का जैसे विधानसभा का जैसे चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा के चुनाव के समय हमने जो अभी कमी रह गई है, जहां भी रह गई है, किसी भी प्रकार से रह गई है, उसको हमने ठीक करना है और एक एक बूथ को संभालो आप लोग, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने कई प्रकार के ऐसे होछे हथकंडे अपनाए, गलत यात्रा का प्रचार किया और उस प्रचार के कारण से हमारा एक वर्ग उनके झांसे में आ गया। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए और गलत वक्तव्य दे करके कि आखिर मोदी जी सरकार तो 272 में बना लेगी, लेकिन 400 क्यों चाहिए, इस प्रश्न को लेकर के कि अगर 400 आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये मिथ्या प्रचार जो उन्होंने किया है, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और हम उस वर्ग को जाकर के बताएं, समझाएं कि संविधान हमारे लिए पवित्र गीता की तरह है। संविधान बदलने का कभी कोई विषय आज तक आया नहीं, कभी आएगा नहीं, तो इसलिए इस विषय पर हम उन भाइयों को जाकर समझाएं जिनके मन में ये डर बैठा दिया। आखिर पिछली सरकारें लगातार 10 साल तक जो चली हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब बड़े कामों की तरफ तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, घर कर गई हैं, इसमें हमें जाके संभालना होगा और अब अगले 3 महीने बाद हम अपनी जो भी जहां जहां कोई कमी आई है उसको दूर करने के लिए आप लग जाएं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार जितना भी ज्यादा ज्यादा सहयोग हरियाणा का कर पाएगी, हम 3 मंत्री वहां हैं, अपने अपने विभाग से भी कराएंगे, बाकी सब जगह भी कराएंगे। सोनीपत जिला तो इसका प्रत्यक्ष गवाह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने यहाँ हाईवेज निकले हैं, जितना रेलवे का यहाँ काम हुआ है और जितने भी विषय हुए हैं, एक से एक बढ़कर के हुए हैं। इन सब चीजों को हमको ध्यान भी कराना है और जहाँ कहीं कोई अपने को लगता है कि और नए कामों की जरूरत हो, निसंकोच बताना है। ऊर्जा विभाग ये अपने पास आया है, शहरी विकास और हाउसिंग ये अपने पास आया है, तो ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन विभागों के माध्यम से हरियाणा के, खास करके जो दिल्ली के आसपास NCR का एरिया है, इसमें तो भरपूर काम होने वाले हैं। आपकी ओर से कोई सुझाव आएंगे, कोई डिमांड आएंगी, उसको पूरे का पूरा समर्थन देकर के उन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा।